ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी आने वाली हैं आपके लिए जनवरी 2022 में, तो वो जानेंगे हम लोग। मेरे पास है यहाँ पर 3 पायल्स और 3 क्रिस्टल्स, तो आप चूज कर सकते हैं किसी भी पाइल को और किसी भी क्रिस्टल को। तो सबसे पहले है ये रेड जैस्पर, और कार्ड है ड्रीम्स कमिंग ट्रू। नेक्स्ट वन है यहां पर क्लियर क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स है यहां पर। और आप लोगों के लिए कार्ड है मेक म्यूजिक। थर्ड वन है यहां पर ग्रीन एडवेंचरिन, और कार्ड है सेल्फ रिलायंस। तो समय लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, तो मैं स्टार्ट करती हूं पायल नंबर 1 के साथ। हाय पायल 1, तो अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज किया है रेड जैस्पर को, तो कैसा रहेगा आपका जनवरी का महीना 2022? तो सबसे पहले आप काम करोगे, प्लानिंग करोगे, फोकस करोगे अपनी फाउंडेशन के ऊपर, क्योंकि ये रूट चक्र का कार्ड है। फाउंडेशन होती है अपनी फैमिली को लेकर, जहां पे आप सेफ सिक्योरिटी अपने रिलेशनशिप में इस फाउंडेशन को क्रिएट करने की कोशिश करोगे। आप फोकस रहेगा आपका अपनी फैमिली के घर लेने का, वो भी स्टेबिलिटी और फाउंडेशन को बताता है। चाहे आप घर ले रहे हो, चाहे आप नई जॉब में जा रहे हो, या जो करंट घर है या जॉब है या रिलेशनशिप है, उसी में ही आप स्टेबिलिटी को क्रिएट कर रहे हो, यही आपका फोकस बना रहेगा। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है ड्रीम्स कमिंग ट्रू, तो पायल 1, आप कहीं ना कहीं जो है फोकस रहेगा आपका, ये यहां पर मुझे फैमिली मेंबर लग रहे हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके यंग ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कि आप उनके साथ मिलकर उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी लाइफ के लिए फर्दर आप प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पर कुछ ना कुछ इकट्ठे मिलकर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हो। यहाँ फुल मून की एनर्जी है, जो ये भी दिखाती है कुछ ना कुछ आप रिलीज कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो तीनों यहाँ पर जो फेरीज हैं, उनका एक डायरेक्शन में फोकस बना हुआ है। तो अगर हो सकता है कि किसी ना किसी तरह की डार्कनेस को आप अपने रिलेशनशिप में, फैमिली में से किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी को या डार्कनेस को बाय बाय बोल रहे हो, और नया रिलीज कर रहे हो, और नया साइकिल स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, उसके लिए शायद आप प्लानिंग कर रहे हो। कौन सी चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या लाना चाहते हो, उसके लिए भी ये प्लानिंग हो सकती है। कि जैसे हम लोगों ने अगर नया घर लेना हो, तो हम लोग इकट्ठे बैठ के राइट फैमिली के साथ प्लान करते हैं। यहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या आप बहुत ज्यादा बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, या ये जो रिलीज होगा या जनवरी का महीना, वो आपकी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाने में यू नो सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहां पर आपका पेट भी हो सकता है जो आपके साथ यहां पर आपके साथ है यहां पर। तो चलते हैं अब, कौन सी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आप लोगों के लिए पायल 1, वो हम लोग निकालेंगे। फिर मैं उसके उन डेट्स के साथ क्यों वो डेट्स इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आप लोगों के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर है नंबर 1, डे 1 से लेके डे 31 डेज तक के सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं पायल 1 के लिए कौन सी डेट, यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी मिल गया है हम लोगों को, तो मैं कोशिश करूंगी 2 कार्ड निकले, हो भी सकता है कि आप लोगों के लिए ज्यादा कार्ड निकले। एक और डेट निकली है आप लोगों के लिए, तो 4 कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल आए हैं पायल 1। तो देख लेते हैं, सबसे पहले डेट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे है 3rd of January, यहाँ पर 4th of January, वाओ बहुत करीब जो है डेट्स हैं ये 3rd, 4th January, और यहाँ पर है 26 जनवरी, और यहाँ पर है 29 जनवरी। तो अब इनके लिए, इन डेट्स के लिए हम लोग कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्यों ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और साथ में मैं आप लोगों के लिए जनवरी के लिए जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो कार्ड
हम लोग देखेंगे ब्लेसिंग्स कौन सी हैं और गणेशा गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए पाइल वन, वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाइल वन। 3 जनवरी, 3 जनवरी जो है आप लोगों के लिए, 3 जनवरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या ऐसा होने वाला है आपका लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ये करियर से रिलेटेड हो सकता है। मेरे पास है एक कार्ड यहाँ पर, वाह, तो एक और कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ पर 3 जनवरी से रिलेटेड। हम लोग तो ये दो कार्ड हो गए हैं आपके 3 जनवरी के लिए, और देख लेते हैं 4 जनवरी के लिए आप लोगों के लिए कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट एनर्जीज अवेलेबल हैं जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर ये है पेज ऑफ वांड्स आपके लिए, एक और कार्ड ले लेते हैं 4 जनवरी के लिए। मेरे पास दो कार्ड निकल आए हैं, एक है डेथ का कार्ड और एक है किंग ऑफ सोर्स का कार्ड। January 26 को, वाओ, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास दो कार्ड आ गए हैं, और 29 जनवरी को क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये मेरे पास एक कार्ड निकल आया है ऑलरेडी 29 जनवरी के लिए, और एक और कार्ड हम लोग ले लेते हैं 29 जनवरी के लिए। वाओ, स्ट्रेंथ का कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। तो बहुत कुछ हैपनिंग है यहाँ पर आपके जनवरी महीने के लिए पाइल वन। तो अब हम लोग एक एक डेट के लिए मैं आपको बताऊंगी क्यों क्यों ये डेट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 जनवरी के साथ। तो देख लेते हैं सबसे पहले पाइल वन आप लोगों के लिए 3 जनवरी जो है क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्यों इम्पॉर्टेंट डेट है आपके लिए। तो यहाँ पर फूल का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप किसी ना किसी तरह की हैवी एनर्जी को रिलीज करके फ्री कर रहे हो अपने आप को। यू नो, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, स्टक एनर्जी या किसी तरह का साइकिल, हैवी एनर्जी जो आप कैरी कर रहे थे उससे अपने आप को लाइट कर रहे हो। हैवी कर्मा भी हो सकते हैं, उसमें से निकल रहे हो, रिलीज कर रहे हो, किसी कार्मिक साइकिल को भी हो सकता है, उसको रिलीज करके आप फ्री कर रहे हो अपने आप को। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को, अपनी इमोशंस को, यू नो, डीक्लटर कर रहे हो। अपनी लाइफ में जो नहीं चाहिए, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, चाहे वो लोग हैं, रिलेशनशिप हैं, जो भी है जो आपको नहीं चाहिए या आपको अब रेजोनेट नहीं करता है या आपके आपको अब वो यू नो सेटिस्फाई नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपको बिलोंग नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको रिलीज करके आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को फ्री कर रहे हो। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स में कि अब मुझे वो नहीं चाहिए, ये एनर्जी जो जिसमें से आपने अपने आप को फ्री कर दी है, साथ में अपने आप को और काफ़ी लोगों को ब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक आउट कर रहे हो अपनी लाइफ से। यहाँ पे अपनी फेंस क्रिएट कर रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो आप कि मैं अब कभी भी अपनी, यू नो, यहाँ पर है समझ जाना चीज़ों को, अवेकनिंग की तरह, यू नो, यहाँ पे सन है जो आपको ब्राइटनेस, जो आपको रोशनी दिखाता है, आपको समझाता है, दिखाता है। रोशनी में हम लोग सब कुछ देख पाते हैं, क्लीन क्लीन एंड क्लियर, राइट। तो यहाँ पे आप समझ गए हो कि आपको किस तरह की एनर्जी में नहीं रहना है, किस लोगों के से कनेक्टेड नहीं रहना, इसलिए आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा रिलीज है और यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, और यू नो सोशल मीडिया पर भी उन लोगों को आप ब्लॉक कर रहे हो जो अब आपको, आपकी
यू नो न्यू लाइफ को, न्यू साइकिल को के साथ आप बिलोंग नहीं करते हैं। तो अब चलते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स, कोई ना कोई आप नया कोर्स, नई लर्निंग, नया रास्ता, न्यू जर्नी हो सकती है आप स्टार्ट कर रहे हो, और साथ में यहाँ पर न्यू वेज ऑफ लर्निंग, न्यू वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, अपने मेथड्स को चेंज कर रहे हो। ये मुझे करियर के लिए लग रहा है कि कुछ नया जॉब शुरू करना या करियर में कुछ ऐसा नया यू नो अपग्रेड करना या नया कुछ स्टार्ट करना, जिस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर आपको लगता है कि इस एरिया में आपको, जिस एरिया में यू नो मुझे वर्क के लिए लग रहा है ये, जिस एरिया में कि आप चेंजेस नहीं देख पा रहे हो, या उससे आप खुद ही इनिशिएटिव लेके, यानी कि कुछ नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करना अपने वर्क प्लेस पर, नए प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करना, खुद नए स्किल्स सीखना, जिस वजह से आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ। आप वेट नहीं करोगे बैठ के कि हाँ कब होगा, कब चेंजेस आएंगी, और विक्टिम मेंटेलिटी में जाना, ये नहीं करोगे आप। आप खुद उठकर वो चेंजेस सोचोगे कि हाँ, समझोगे पहले बातों को कि आपको कहाँ पर ये चेंजेस और क्यों चाहिए और कैसे ला सकते हो आप। ये क्वेश्चन के आंसर आप ही दोगे। अगर उसके लिए आपको कुछ नया सीखना भी पड़ेगा तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स, ये जर्नी आपकी कईयों की स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, कि किंग ऑफ सोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लॉजिक थिंकिंग होगी, बहुत ऑर्गेनाइज वे में प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, कुछ सीख के या सिखाना, बहुत सारी क्लैरिटी को आप अपनी लाइफ में इस जर्नी पे लेके आने वाले हो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ये है कि कहीं ना कहीं आप शायद कम्युनिकेट करने वाले हो, बहुत सारे सच को, बहुत सारे बातों को लोगों को क्लियरली बताने वाले हो, कट करने वाले हो नेगेटिव एनर्जी को। यहाँ पर ये सोर्स ही है जो नॉलेज आपको है, जो विजडम आपके पास है, किंग के पास एक लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उनको आप एक्चुअल में यूज करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं ये सोर्ड की एनर्जी कम्युनिकेशन की, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, लीडर, टीचर, उस भूमिका में जा सकते हो, आप उसको अपना सकते हो, ताकि आप जो अपनी नॉलेज है या विजडम है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप लीडर की भूमिका में जाने वाले हो। नेक्स्ट है 26 जनवरी। 26 जनवरी को कहीं ना कहीं यहाँ पर है हिडन नॉलेज, हिडन विजडम है यहाँ पर, जो आप कनेक्ट कर रहे हो अपनी पास्ट लाइफ की विजडम के साथ, ड्रीम्स के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो। तो ये स्पिरिचुअलिटी के काफी सारे ट्रूथ्स जो है वो भी आप शेयर कर सकते हो यहाँ पर। ये कितना कार्ड, यू नो यहाँ पर भी लीडरशिप है, यहाँ पर भी आप अपनी सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्ट करना, जो भी आपकी एनर्जी को रेजोनेट करते हैं, आपके लाइक माइंडेड पीपल हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ तो आप ऐसा शेयर कर रहे हो यहाँ पर, जो आपका शायद लाइफ पर्पस भी हो सकता है। यहाँ पर आप अपनी काफी सारी सोल ट्राइब को, स्पिरिचुअल टीम के साथ, आप स्पिरिचुअल टीम हो सकती है ये, या आपकी सोल ट्राइब हो सकती है जिनके साथ आप काम करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, अपनी इन आइडियाज को और अपनी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाले हो। तो आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो अपनी सोल ट्राइब के साथ, और कुछ इस तरह से मिलकर टीम वर्क भी प्लान कर सकते हो, या उनके साथ कुछ आइडियाज अपने शेयर कर सकते हो, प्लानिंग्स शेयर कर सकते हो, जो भी जिस भी तरह की विजडम आपके पास है, या किसी भी तरह की आपकी नॉलेज है, या फिर यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रूथ होते हैं, कई बार स्पिरिचुअल सीक्रेट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आप जान पाओगे, समझ पाओगे और वो शेयर भी करोगे। गिफ्ट भी हो सकते हैं यहाँ पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर है 29 जनवरी को, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये दिन, क्योंकि यहाँ पर है कई लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी इस पॉजिटिव नई चेंजेस को देखकर, ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर, बहुत सारे लोग, जो रिश्ते आपने कभी सोचा नहीं था कि वो रिन्यू होंगे आपकी लाइफ में, दोबारा से वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। यहाँ पे 6 of Cups है, तो यहाँ पे कोई फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है, या फिर काफी सारे लोग हो सकते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं यहाँ पर, इस प्यार भरे कप के साथ, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट गया था,
तो वापस से वो बिल्ट हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे आप जो स्ट्रेंथ देख पाएंगे अपने आप की, महसूस कर पाएंगे, यू नो, जब इन सब लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, अपनी सोल ट्राइब के साथ, उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गए थे आपसे, तो यहाँ पर आप अपनी यू नो इमोशनल इमोशनली स्पिरिचुअली मेंटली काफ़ी सारे स्ट्रांग स्ट्रेंथ को महसूस कर पाओगे उन लोगों के साथ कनेक्ट करके जो आप ही के जैसे हैं, लाइक माइंडेड पीपल। तो ओवरऑल आप देखो कि यहाँ पर स्ट्रेंथ आप यू नो बहुत सारी गेन करने वाले हो। यहाँ पर हैं 3 मेजर अरकाना कार्ड है, तो काफी 4 मेजर अरकाना कार्ड है, फूल का, डेथ का। यहाँ पर ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती हुई नजर आ रही है जो आपको कहीं ना कहीं शेयर करने की जरूरत है, ये मुझे बहुत मैसेज आ रहा है, और साथ में स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे 4 मेजर काना कार्ड्स हैं, तो देख लेते हैं आप लोगों की ब्लेसिंग क्या है पाइल 1, ये जान लेते हैं। यहाँ पर है स्टेइंग फोकस, तो अगर आप कुछ एरियाज में अपनी लाइफ के या फ्यूचर की जो प्लानिंग कर रहे थे, अगर वहां पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, यू नो, यहाँ पे आपका फोकस बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस आपकी वेट कर रही है। जैसे मैंने बोला ना कि आप कहीं ना कहीं कुछ शेयर करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, लोगों को लीड करना है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ फोकस कर पा रहे हो, प्लान कर पा रहे हो, तो अगर कुछ आपको ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता है लेकिन आप कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे थे, या बहुत सारे आइडियाज थे तो चुन नहीं पा रहे थे, या टाइम समय की कमी थी, तो यहाँ पर आप उसको बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे, प्लान कर पाओगे, और साथ में बहुत सारी ऑडियंस को ऑनलाइन हो सकते हैं, उनको सोल ट्राइब को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, यू नो कनेक्ट कर पा रहे हो उनके साथ अपनी विजडम के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस जो भी आप शेयर करोगे। यहाँ पर है ब्लेसिंग, नेक्स्ट ब्लेसिंग नैरो पाथवे। आपको यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस के बाद ये पाथवे दिया जा रहा है, यू नो एस्केप, भाग जाओ, यहाँ पर आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, एक पतली गली से निकल जाओ। जैसे मैंने बोला ये फूल का कार्ड, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि किसी ना किसी, अगर आप बड़े बहुत सारे चैलेंजेस इकट्ठे आ गए आपके पास ऊपर, ब्लॉकेजेस, या बहुत सालों से ये ब्लॉकेजेस और चैलेंजेस आपकी लाइफ में चलते रहे, पेनफुल पीरियड रहा कोई, तो वहां से बचने का आपको ये रास्ता दिया जा रहा है, ताकि आप नए यू नो न्यू बिगिनिंग कर सको, अपनी नया साइकिल स्टार्ट कर सको। गणेशा गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है। तो अगर आपके साथ इमोशनल अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, आप पैशनेट नहीं रहे थे लाइफ के लिए, आप सेल्फ रिलायंट नहीं रहे थे लाइफ के लिए, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ खो दी थी आपने इस पेनफुल पीरियड की वजह से, या कोई भी हो सकता है, ना ही आप क्रिएटिविटी से, अपने पैशन से कनेक्टेड रहे थे, ना लाइफ के लिए आपका पैशन रहा था, तो यहाँ पे वहाँ उस चक्रा में आपके हार्मनी आ रही है, दोबारा से आप स्टेबल फील करोगे अपनी लाइफ में, यू नो हार्मनी आना, उसके बाद आप कुछ सोच पाते हैं। पहले तो हम लोगों को पास्ट ही की जो चीज़ें होती हैं, या लोग होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो ही हम लोगों को यू नो एंग्जाइटी देते हैं, वो पैशन हमारा जो कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं, तो उससे आपको यहाँ पर आपकी हार्मनी आ रही है, बस आपको विश्वास रखना है, आंखें बंद करके यू नो ये ट्रस्ट कीजिए, और कॉन्टिन्यूसली जो भी आप स्पिरिचुअल पाथ पे कर रहे हो वो करते रहिए। गणेशा यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं आपको, बस आपको फेथ रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हार्मनी में आ रहा है। यहाँ पे है लास्ट फाइनल कार्ड आप लोगों के लिए पाइल 1, डिसीजन। तो कोई मेजर डिसीजन हो सकता है आपका, जैसे मैंने ये ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी को देखी है कि कोई बिगर साइकिल को आप छोड़ रहे हो, खत्म कर रहे हो, नेक्स्ट साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो। इस फूल, पहला ही फूल का कार्ड था, तो यहाँ पर डिसीजन जो आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, यहाँ पर भी 2 2 22 जो नंबर 4 है, यहाँ पर भी 31 जो है नंबर 4 बनाता है, आपकी स्टेबिलिटी से लेकर स्टेबिलिटी रिलेशनशिप घर से होती है, तो किसी न किसी तरह की स्टेबिलिटी से लेकर आप से रिलेटेड आपको ये डिसीजन लेना है, कईयों के लिए मेजर डिसीजन हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे गणेशा बोल रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी विजडम के साथ कनेक्ट कीजिए, डिसीजन लीजिए, और इस पाथ पर गणेशा आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा, आपने ये चूज किया था
रेड जेस्पर जो मैंने बोला था आपको, ये कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, जो फाउंडेशन से रिलेटेड है, जो अभी तक फाउंडेशन, स्ट्रांग फाउंडेशन की तरफ आप बढ़ रहे हो, स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो डेथ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी 360 डिग्री लव में, करियर में, रिलेशनशिप में, हर जगह पर हो सकती है, या फिर किसी एक एरिया में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है, या आपको ये डिसीजन लेने की जरूरत है। तो ये थी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स पाइल वन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए और टैरो सीखने के लिए आप कभी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ब्लिसफुल डे। बाय फॉर नाउ। हाय पाइल टू, तो अगर आपने इस क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज किया है, या फिर इस कार्ड को चूज किया है जो है मेक म्यूजिक, तो देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका जनवरी का महीना, और साथ में कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए हो सकती हैं जनवरी के महीने में जो आपको जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले क्लियर क्वार्ट्ज मुझे ये दिखाता है कि बहुत सारी क्लैरिटी आपको अपने पाथ के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने करियर के बारे में आपको मिलने वाली है। काफी सारी गाइडेंस है यहाँ पर, आंसर्स हैं, क्लैरिटी है, जो डिफरेंट रिसोर्सेज से आपको मिलेगी, और काफी सारी हीलिंग भी है यहाँ पर, हार्ट चक्रा की हीलिंग है। इस अगर आपने इस कार्ड को, मेक म्यूजिक जो मुझे दिखा रहा है, हार्ट चक्रा की हीलिंग है यहाँ पर। तो किसी ना किसी तरह के म्यूजिक से आप कनेक्शन फील करोगे, या आपके लिए हीलिंग हो सकता है। हो सकता है आप मेडिटेशन म्यूजिक से कनेक्ट कर रहे हो किसी तरह से, किसी तरह की हीलिंग म्यूजिक से कनेक्ट कर रहे हो। फ्लूट म्यूजिक भी हो सकता है अगर आप कनेक्शन फील करते हो, या किसी भी तरह के म्यूजिक के साथ, सॉन्ग्स के साथ, वो आपके लिए हीलिंग हो सकता है, आपकी हाई वाइब्रेशन के लिए, हार्ट चक्र को हील करने के लिए। और साथ में आप शायद म्यूजिकल एल्बम के ऊपर भी काम करना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा जनवरी के महीने में। यू नो, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हो, यू नो, मेडिटेशन वीडियोस बनाना चाहते हो, या किसी भी तरह की म्यूजिक से रिलेटेड अगर आप एल्बम्स क्रिएट करना चाहते हो, वो भी आपके लिए पॉसिबल भी होंगी, और आप उनके ऊपर काम कर पाओगे, यानी कि आपके लिए इंस्पिरेशन और आइडियाज भी अवेलेबल होंगे। यहाँ पर किसी ना किसी तरह की फ्रिक्वेंसी आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए भी अच्छी रहेगी। तो आपके यू नो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हेल्दी हेल्दी हेयर फ्रिक्वेंसी, यू नो, और स्किन के लिए हेल्दी स्किन रेकी भी अवेलेबल है, हेल्दी स्किन ट्रीटमेंट फ्रिक्वेंसी, किसी भी तरह की फ्रिक्वेंसी जो है आपको सुनना, कनेक्ट करना आपके लिए अच्छा होगा। डेल्टा वेव्स, जो डेल्टा या थीटा फ्रिक्वेंसी होती है, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो जनवरी के महीने में, जो आपके बालों के लिए और आपकी स्किन को के लिए एक तरह की ट्रीटमेंट का काम कर सकती हैं। और किसी भी तरह का पैशन जो आपका म्यूजिक से रिलेटेड है, सिंगिंग या डांसिंग या कुछ भी, वो आप एक तरह का कनेक्शन फील करोगे, और म्यूजिक के साथ काम करना, यू नो, कहीं लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं म्यूजिक के साथ, जब काम करते हैं फोकस कर पाते हैं। किसी तरह की आप स्टडी करना चाहते हो, कोर्सेज कर रहे हो, तो भी आप इस म्यूजिक के साथ कनेक्ट कर पाते हो, कर सकते हो। तो देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कार्ड हैं, तो जो मैं आईज क्लोज करके आपके लिए 2, 3, 3 तो निकालूंगी, और इसके अलावा अगर ज़्यादा निकल आए तो वो भी मैं एक्सेप्ट करूंगी। यहाँ पर एक ऑलरेडी है मेरे पास बाहर, तो और देख लेते हैं। ओह, 4 निकल आए हैं, फाइल वन के लिए भी 4 निकले थे, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए। वाओ, यहाँ पे है 6 जनवरी, और आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लोज डेट्स हैं। उसके बाद है ये है 6 जनवरी, और ये है 22 जनवरी, और ये है 25 जनवरी, और यहाँ पर है 27 जनवरी, और यहाँ पर है 29 जनवरी। वाओ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले
अपने राइडर वेट टैरो डेक से मैं निकालने वाली हूँ 6 जनवरी। तो दो कार्ड मैं निकालूंगी हर एक उसके लिए, हर एक डेट के लिए। 6 जनवरी का दिन आप लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं हम लोग। आप इन डेट्स को लिख सकते हो, कौन सी एनर्जीज अवेलेबल हैं वो लिख सकते हो, ताकि आप मुझे बाद में आके बता सको कि ये कितनी रेजोनेट हुई हैं आपके लिए, तो मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 6 जनवरी के लिए जो मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पर है सबसे पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, सबसे पहले कार्ड निकालेंगे फिर उसके बाद मैं आपको रीडिंग दूंगी। यहां पर है 22 जनवरी, 22 जनवरी के लिए दो कार्ड निकल गए हैं तो मैंने इनको रखूंगी। ये है आपके लिए, एक डेविल का कार्ड है और एक 4 वांड्स का कार्ड है। वाओ, दोनों ही बहुत ज्यादा ऑपोजिट एनर्जीज हैं यहां पर। पच्चीस जनवरी क्यों हो सकती है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, ये देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यहां पर है 9 ऑफ वांड्स, और यहां पर है द हायरोफेंट। 27 जनवरी, 27 जनवरी क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मुझे यहाँ पे मिल गया है 2 कार्ड ऑलरेडी, तो ये ले लेते हैं हम लोग। दो नहीं, 3 कार्ड निकले यहाँ पे। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, और एक और कार्ड डेक में ही फ्लिप किया है जो है 5 ऑफ कप का कार्ड। तो देख लेते हैं अब 29, यहां पर 5 डेट्स हैं, मैंने 4 निकाली हैं। 29 जनवरी का दिन क्यों है आपके लिए डेट्स इंपॉर्टेंट, यहां पर मेरे 2 कार्ड्स ऑलरेडी मुझे मिल गए हैं। यहां पर है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड और एक और कार्ड है वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो अब हम देखेंगे कि हर एक कार्ड, ये यहाँ पर जो एनर्जीज निकली हैं वो किस तरह से आपके साथ वो रेजोनेट करती हैं, सॉरी किस तरह से है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये डेट्स आप लोगों के लिए, ये देखेंगे हम लोग एक एक दिन के देखकर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 जनवरी आप लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। 6 जनवरी को कोई इस तरह की कम्युनिकेशन, कोई मीटिंग इस तरह की आ सकती है जो आपको लोगों के लिए काफ़ी हीलिंग हो, कोई नए आइडियाज़ लेके आए, कोई नया हीलिंग पाथ यू नो आपको बताए किस तरह से आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी है जो आप काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे, ये वो हो सकता है। या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई आपको बता रहा है कि कौन सा आपको कोर्स लेना चाहिए, यहाँ पर कहाँ से ये न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। तो ये कोई भी यंग एनर्जी आपकी हेल्प कर सकती है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रही है जिस वजह से आप ये न्यू बिगनिंग कर पाएंगे, या ये बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ये आपको यहाँ पर आइडिया दिया जा रहा है। या ये उस पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकती है जो आपके लिए बहुत हीलिंग होगी, जहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये मैसेजेस की, ये कम्युनिकेशन की, ये क्लैरिटी की, वो आपको, या नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कुछ नया एडअप करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये यू नो आइडियाज हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं 6 जनवरी को, जो आपको हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरह की न्यू बिगनिंग में, हीलिंग में। नेक्स्ट चलते हैं 22 जनवरी का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी को आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2 लोग हैं, यहाँ पर फेमिनाइन मस्लून यहाँ पर भी हैं। तो अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई हुई थी और किसी वजह से
यू नो थर्ड पार्टी की वजह से या किस कोई भी डेविल एनर्जी की वजह से, यू नो कंट्रोलिंग था कोई का, आर्मी के रिलेशनशिप था, उस वजह से आप सेपरेशन में थे अगर अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से, तो उससे आप यहाँ पर मिल रहे हो, दोबारा से यूनियन या रीयूनियन हो रही है, कईयों के लिए मैरिज भी, किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के आप किसी तरह की सेलिब्रेशन में, मैरिज में या यूनियन हो रही है, आप इकट्ठे हो रहे हो। अगर कोई पर्सन आपसे सेपरेशन में था, घर से दूर था, तो वो आप दोबारा से यहाँ पर आपको इस कनेक्शन में आप जा रहे हो, जो इस मूवमेंट को आप यहाँ पर फोर ऑफ वांड्स से कनेक्ट सेलिब्रेट कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप टॉक्सिक एनर्जी से सेपरेट होकर इस पर्सन से, इस कार्मिक रिलेशनशिप से आप अपना घर बाय कर रहे हो, तो इस वजह से भी ये सेलिब्रेशन आपकी हो सकती है 22 जनवरी को। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है क्योंकि यहां से आप निकल रहे हो और इस एनर्जी में आप फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी में पॉजिटिव, हैप्पी, सेलिब्रेटिंग, और मैरिज भी हो सकती है उसमें आप जा रहे हो। नेक्स्ट है 25th of January। 25 जनवरी आप लोगों के लिए की इम्पॉर्टेंट है। ये जो मुझे कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ नजर आया, शायद आप इसके इसमें से किसी तरह की जस्टिस को एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये जो यहाँ पर 9 of Wands से मुझे नजर आ रही है कि बहुत देर से आप यहाँ पर खड़े थे किसी तरह की एंडिंग को, किसी तरह की जस्टिस को। तो यहाँ पर एक हायरोफेंट का कार्ड है वैसे ये, लेकिन यहाँ पर एक जज जैसा लग रहा है जो अपना डिसीजन सुना रहा है यहाँ पर। तो एक तरह की जस्टिस आपको मुझे मिलती हुई, अगर लीगल कोर्ट केस है आपका, उसमें से भी आपको जस्टिस मिलती हुई, जिसका आपने बहुत सारा देर से इंतजार किया है, वो भी मुझे मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। यानी कि किसी को अपने कर्मा का, किसी को अपने कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। जिसने भी जिस तरह के कर्मा किए हैं, चाहे वो अच्छे किए हैं तो वो अच्छे रिजल्ट होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जिसने किसी के साथ बुरा किया है तो उसको भी वो उस कर्मा का फल मिलने वाला है। यहां पर वो मुझे नजर आ रहा है 25 जनवरी को। तो बहुत देर से अगर आप चाहते थे इस चीज की एंडिंग, क्योंकि ये 9 of Wands है, तो आप एंडिंग चाहते थे इस साइकिल की, तो वो भी यहां पर मुझे जस्टिस और एंडिंग के बाद यहां पर चेंज, 5 जो होता है हायरोफेंट का नंबर, ये चेंज यहां पर आपके लिए आ रही है। तो आप वेटिंग से यहां पर, जिस भी चीज की वेटिंग कर रहे थे, तो उससे आप बाहर निकल रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे टीचिंग या लर्निंग में, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड दोनों तरह से काम करता है। कुछ सीखना चाहते थे या टीच करना चाहते थे उस, लेकिन उस सिचुएशन से आप बाहर अभी यहीं पे थे, किसी रीजन से वेटिंग में थे, अनइंस्पायर्ड थे, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या किसी तरह का कोर्स से कनेक्ट कर सकते हो, किसी तरह की टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है यहाँ पर 25 जनवरी को। तो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे 27 जनवरी। 27 जनवरी की डेट जो है, ये मुझे करंट तो नहीं लग रही है, ये पास्ट की एनर्जी जो रही है आपकी 5 of Cups की, इमोशनल, सैड, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट में ही डूबे रहना, जो आपके कप जो आपको बिलोंग ही नहीं करते थे वो आपसे ले लिए गए, वो एम्प्टी है यहाँ पर, उसी को देखते रहना, पास्ट से ही जुड़े रहना। तो यहाँ पर किसी तरह की पेज ऑफ कप के साथ आपकी हीलिंग आपके तरफ आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, कुछ आप सीखना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो, या कोई पर्सन से आप कनेक्शन या फॉरगिवनेस की आप वेट कर रहे हो, तो वो फॉरगिवनेस आपकी तरफ आ रही है। कोई माफी मांगने के लिए आ सकता है आप, उसने जो भी किया आपके आपके साथ, तो वो माफी के लिए आ रहा है आपको, आपके साथ जुड़ने के लिए आ रहा है, आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है, दोबारा से बैलेंस क्रिएट करने के लिए। अगर किसी कोई इमोशनली कनेक्टेड नहीं था, लेकिन वो अब कप लेके आ रहा है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि वो शायद आपके समझ चुका है आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आप कैसे हो उसको समझ में आ चुकी है। इस तरह से आपकी फॉरगिवनेस के लिए प्यार का ये कप आपकी तरफ आ रहा है। कोई यंग एनर्जी ब्रदर सिस्टर हो सकता है, आपका कोई बच्चा हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है, दोबारा से बैलेंस क्रिएट करने आपकी लाइफ में, जो यहाँ पे आप इम्बैलेंस, यहाँ पे हो सिर्फ डार्क एनर्जी में, यहाँ पे हो आप बैलेंस्ड पर्सन या हाई प्रीस्टेस में। तो यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि अगर आपको हाई प्रीस्टेस, एज ए हाई प्रीस्टेस, किसी भी तरह की जरूरत है, हाई एजुकेशन की जरूरत है, कुछ आप
स्टडी करना चाहते हो तो वो भी वहां पर आपको हेल्प मिलेगी, या किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए वो भी आपको हेल्प मिलेगी इस पर्सन से, आपको हेल्प करेगा वो आगे बढ़ने में, आपकी प्रोग्रेस में। नेक्स्ट चलते हैं 29 जनवरी, यहां पर है 29 जनवरी का दिन आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर है क्वीन ऑफ वांड्स और यहां पे एस ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ वांड्स जो यहां पर इंडिपेंडेंट, एम्बिशियन, पैशनेट है, जो लेडी अपनी इंट्यूशन को सुनती है और पावर है जिसके हाथ में, जो जो चाहे वो क्रिएट कर पाती है यहां पर। तो जिस तरह की भी लाइफ आप क्रिएट करना चाह रहे थे, इस तरह का मौका आपको दोबारा से, शायद आपको ये मौका मिल रहा है। ये जिन्होंने भी पाइल टू चेंज चूज की है वो यहां पर भी हैं, राइट, इस कार्मिक रिलेशनशिप में, यहां से जस्टिस से कुछ नया सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तो ये सारे यहां पर जो कार्ड दिखा रहे हैं, तो उसी से यहां पर जिस तरह की भी आप लाइफ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे अपनी मनपसंद की, वो इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, वो आप यहाँ पर लाइफ को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो आपको मौका मिलेगा दोबारा से, न्यू बिगिनिंग, जो आपका कंट्रोल आपकी लाइफ का आपके हाथ में होगा। आप होगी रानी, अपनी कैसल की, अपने घर की, जो कुछ आप ही अपने आप ही संभालोगे आप, क्योंकि इस डेवल एनर्जी में से निकल आए हो। जो भी ये डार्क एनर्जी ने आपको ये दिया है, फाइव ऑफ कप की एनर्जी आपको दी है, या नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दी है, या कंट्रोल्ड उसमें रहे हो, उससे आप बाहर निकल रहे हो और अपने हिसाब से पैशनेट लाइफ को बिताने वाले हो। और एस ऑफ सोर्ड से एक ये न्यू बिगनिंग मिल रही है, नए आइडियाज यहां पे मिल रहे हैं आपको, एक नया थॉट पैटर्न स्टार्ट करना। यहां पर अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहते हो, डार्क एनर्जी में, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में, डेविल एनर्जी में रहते हो, तब आप, आपका माइंड भी जो है कंट्रोल किया जाता है लोगों की तरफ से, मैनिपुलेशन के साथ, जिसको मेंटल कंट्रोलिंग या मैनिपुलेशन कहते हैं, मेंटल अब्यूज भी कहते हैं। लेकिन यहां पर आप बहुत सारी क्लैरिटी के साथ और अपनी अपने मेंटल ग्रोथ के साथ, आप ये अपॉर्चुनिटीज के साथ जो आपको दी जा रही हैं, जो आपके ये अपॉर्चुनिटीज, ये न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज जो डिवाइन की तरफ से आपको दी जा रही है, वो आपको हेल्प करेगी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और आपके करियर में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। ये कहाँ पर आपको एक्शन लेने हैं, तो वो क्लैरिटी भी दी जाएगी आपको और वो आपको आइडियाज भी दी जाएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए हैं, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हैं। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं पाइल टू। तो जैसे ही क्वीन ऑफ वांड मुझे नजर आ रही है, सेम एनर्जी यहां पे है, तो जिस पीस का आप इंतजार कर रहे थे, मुझे मेरा समय चाहिए, कि मुझे बहुत सारा कंट्रोल किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेगी मेरे ऊपर, यहां पे मुझे अपना पीस चाहिए, अपना समय चाहिए, जहां पर मैं अपनी ग्रोथ के लिए या जो मैं चाहूं, बुक्स रीड करनी है, नए कोर्सेज करने हैं, अपनी इनर विजडम के साथ जुड़ना है, या सिर्फ पीस के साथ जुड़ना है, वो आपको समय वो दिया जाएगा। सॉलिट्यूड, वो अकेलापन आपको दिया जा रहा है, जहां पे कोई कंट्रोलिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने समय को व्यतीत कर रहे हो और उसको अच्छे से, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, माइंडफुल होकर जी रहे हो, इस समय का फायदा उठा रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे थे। तो वो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है, ये पीस आपको दी जा रही है, जो आप आप चाहते थे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पीस चाहिए तो वो आपको यहां पर मिल रही है। यहां पर है वेलियंट करेज, यहां पर क्रिएटिविटी है सबसे पहले, पैशन है यहां पर, जो क्वीन ऑफ वांड्स भी दिखाती है यहां पर। पैशनेट लाइफ, सबसे पहले पैशन होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, वो हम लोग जो है डेविल की एनर्जी से बाहर निकल के ही समझ पाते हैं कि क्या होता है पैशनेट लाइफ, क्या होती है।
वो हैप्पीनेस, वो पैशन, वो ग्रोथ, वो मूवमेंट है जो यहाँ पे आपको पुश दी जा रही है आगे बढ़ने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, जो भी आप करना चाहें। और यहाँ पर ग्रोथ है, और साथ में यहाँ पर अगर कोई घर लेना चाहता है, मूव करना चाहता है डिफरेंट सिटी में, दिस डिफरेंट कंट्री में, वो भी आप यहाँ पर, आपको वो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपको इस फ्लैग के साथ दी जा रही है कि आप वो कर सकते हो, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि आपके पास एस ऑफ कप और एस ऑफ सोर्स के साथ दो न्यू, यहाँ पर एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर हील्ड और इमोशनल न्यू बिगिनिंग, और यहाँ पर है अपने करियर के लिए न्यू बिगिनिंग, राइट। तो यहाँ पर आपको वो न्यू बिगिनिंग्स के साथ आप मूव भी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो भी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर है मेरे पास आपके लिए लास्ट गाइडेंस मैसेज, यहां पर गणेशा जी की तरफ से चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। तो एक चाइल्ड जैसी एनर्जी में आप जाओगे जनवरी में, यू नो, इंजॉय करना जो आपको मिल गया है, यू नो, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ये न्यू बिगनिंग्स, ये न्यू एनर्जी को सबसे पहले इंजॉय करना। जैसे बच्चे को, यू नो, ये काम पड़े हुए हैं, उसको उसको छोड़कर वो क्या कर सकता है अपने आप को खुश करने के लिए, कौन सी एक्टिविटीज़, और जो उसके पास है उसके साथ किस तरह से जुड़ना, अप्रिशिएट करना, इंजॉय करना, उस अबंडेंस को आप इंजॉय करने का, फिर से हैप्पी और जॉयफुल लाइफ की आपको ये यहाँ पर ब्लेसिंग्स, और ये गाइडेंस भी है एक तरह की। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सीरियस नहीं लेना, और लाइफ को इंजॉय करना है जो आपके पास है, और अप्रिशिएट करना है डिवाइन को, और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, ताकि और ज़्यादा हैप्पीनेस, ग्रोथ और इस अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर सको। और अगर आपका कोई चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन है, यू नो, किसी तरह का पैशन है या क्रिएटिविटी है जो क्वीन ऑफ वांड से यहाँ पर है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हो, उससे और भी ज़्यादा आपको हार्ट हीलिंग की, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर भी म्यूजिक जो दिखाता है आपकी क्रिएटिविटी को, आपके टैलेंट्स को, गिफ्ट्स को, तो उससे भी आपको, आपकी हीलिंग भी होगी, आप और ज़्यादा हैप्पी और इंजॉय कर पाएंगे लाइफ को, अबंडेंस को इंजॉय कर पाएंगे, और अट्रैक्ट कर पाएंगे और भी अबंडेंस को, जब आप इंजॉय करोगे, चाइल्ड की तरह, बच्चे की तरह इंजॉय करोगे लाइफ को, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी, यू नो, पास्ट के, उसमें फॉरगिव करना, यू नो, चाइल्ड जो सोचता नहीं है किसी ने क्या किया है, यू नो, अपने दोबारा से अपने खेल में लग जाता है, अपनी जॉयफुल एनर्जी में रहता। तो इसी तरह से आपको लेट गो करना है पास्ट को, और फिर से लाइफ को आप पैशनेटली इंजॉय करना है, कि आप किस तरह से इसको और ज़्यादा पैशनेट और जॉयफुल बना सकते हो, और ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पायल टू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, और डेट्स आप लिख सकते हो और मुझे वापस आके बता सकते हो। आपके लिए 5 डेट्स निकली हैं, तो यूजुअली 3 या 4 होती हैं, आप लोगों के लिए 5 निकली हैं, तो प्लीज़ चेक कीजिए और मुझे ज़रूर आके बताइए। थैंक यू अगेन, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हैव अ ब्लिसफुल मंथ अहेड। बाय फॉर नाउ। हाय पायल 3, तो अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, ग्रीन एडवेंचरिन को, या फिर आपने चूज़ किया है सेल्फ रिलायंस को, तो देख लेते हैं जनवरी के महीने में कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या होने वाला है, और क्या रहेंगी आपकी एनर्जीज। तो अगर आपने सेल्फ रिलायंस का चूज किया है, आप अपने ऊपर बहुत सारा काम कर चुके हो और ऑलरेडी करोगे भी, आप और ज्यादा काम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, शायद इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, यू नो, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है, स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हो आप, और साथ में बहुत सारी, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल आपके चल रही हैं यहाँ पर। पास्ट में भी आपने शायद बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा काम किया है अपने ऊपर, इस वजह से यहाँ पर आप अपनी, यू नो, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन से भी निकलने वाले हो, और यहाँ पे आपको एंजल से प्रोटेक्शन ज़रूर है, एंजल से आप कनेक्शन भी फील करते होंगे, बहुत क्लोज कनेक्शन फील करते होंगे डिवाइन के साथ, अपनी एंजल्स के साथ। और आपने शायद अपने हार्ट चक्र पे भी काम किया है, या आप हार्ट चक्र पे काम करने वाले हो, क्लिनजिंग और हीलिंग,
आपकी चल रही है और यू नो कंटिन्यू होने वाली है जनवरी के महीने में भी। तो देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए हो सकती हैं पाइल थ्री। तो ये देखेंगे हम लोग। मेरे पास है यहाँ पर 1 to 31 तक, लेके 31 जनवरी तक आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं, सॉरी मैसेजेस डेट्स हैं, सारे नंबर्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगी 3 निकालने की, अगर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जितने मेरे हाथ में आए। तो मैं आंखें बंद करके यहाँ पे आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट डेट्स निकालने वाली हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। एक डेट मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है जो है 6 जनवरी, 6 जनवरी की डेट आ चुकी है मेरे पास यहाँ पर। तो 2 हो गई है हमारे पास और टोटल 3 हो चुकी हैं। तो अब मैं कार्ड शफल करके निकालने वाली हूँ आपके लिए। तो 6 जनवरी है यहाँ पे, 6 जनवरी, 8 जनवरी और 31 जनवरी, ये 3 दिन आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या डिवाइन हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इन दिनों में आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, कौन सी खुशखबरी है, सरप्राइजेस हैं आपके लिए? तो कौन सा ऐसी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए, वो देखने वाले हैं हम लोग पाइल थ्री। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 जनवरी के लिए मेरे पास ऑलरेडी आ गया है एक कार्ड टेम्परेंस का। तो मैं एक और कार्ड लूंगी आप लोगों के लिए। पेज ऑफ सोर्स और यहां पर है टेम्परेंस का कार्ड 6 जनवरी के लिए। अब देख लेते हैं 8 जनवरी को क्यों हुआ। यहां पर है एस ऑफ सोर्स, न्यू बिगिनिंग, आइडियाज हो सकते हैं 8 जनवरी को आपके लिए। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है किसी तरह का इम्पॉर्टेंट जो आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर आ गए हैं मेरे पास 2 और कार्ड। ये नहीं लेंगे हम लोग, ये बहुत ज़्यादा हैं, तो एक ही कार्ड और लेंगे। जो मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर है मेरे पास एस ऑफ सोर्ड 8 जनवरी के लिए और द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, यहाँ पर है एंडिंग और यहाँ पर है कंप्लीशन और एस ऑफ सोर्स के साथ है न्यू बिगनिंग भी साथ ही के साथ आपको मिल रही है। तो देख लेते हैं 31 जनवरी, जो 31 जनवरी आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर है मेरे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। और नहीं लेंगे हम लोग। यहां पर मेरे पास 3 और कार्ड्स आ गए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एम्परर का कार्ड और यहाँ पर है डेथ का कार्ड। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्यों ये डेट्स जो हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए और क्यों ये हैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग ब्लेसिंग्स और गाइडेंस को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 6 जनवरी से। तो 6 जनवरी है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स और टेम्परेंस मुझे ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई यंग पर्सन जिसकी आपकी हीलिंग के बारे में आप कंसर्न है, राइट? तो उसकी हीलिंग के लिए आपको कोई आइडिया मिल सकता है और साथ में आप कुछ हीलिंग से रिलेटेड अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। अगर आपको राइट नाउ नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है तो कोई ना कोई हीलिंग कोर्स या एंजल से रिलेटेड कोई कोर्स आप करना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, कुछ भी आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो मुझे उसकी क्लैरिटी भी आते हुए आपको मिल रही है 6 जनवरी को। या किसी यंग पर्सन को आप हील करना चाहते हो अपने आपको उस तरह की उसके बारे में भी कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाएगी। जिस तरह से हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या हीलर के पास जाते हैं, किसी फैमिली मेम्बर की, बच्चों की हीलिंग के लिए हम लोगों को क्लैरिटी चाहिए होती है कि सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये
एंजल्स की तरफ से गाइडेंस, हेल्प, सपोर्ट आपको किसी न किसी तरह से मिल सकती है जो हीलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर एंजल से कनेक्शन आप बढ़ा सकते हो या कॉल कर सकते हो एंजल्स को इस हेल्प और इस गाइडेंस के लिए भी। तो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे है 8 जनवरी। 8 जनवरी के दिन मुझे लगता है कि जिस क्लैरिटी की, जिस ट्रूथ या सीक्रेट को ये आपको मिल सकता है, जिसके लिए जिससे आपको किसी न किसी स्टक सिचुएशन में से बाहर निकलने में आपको हेल्प होगी द वर्ल्ड कार्ड के साथ। कि आपको नहीं पता था किसी रिलेशनशिप में आप रहो या ना रहो, यू नो कंफ्यूजन जो थी, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है या नहीं करना है, तो किसी भी बिजनेस आइडिया के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन थी, तो यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी दी जाएगी, वो ट्रुथ आपको बताया जाएगा, जिस वजह से आपको कोई साइकिल कंप्लीट करना, यू नो किसी तरह के स्टक सिचुएशन में से, ये स्वॉर्ड दी जाती है कि आप कट कर सको, यू नो कट कर सको और किसी सिचुएशन में से बाहर आ सको। तो वो कंफ्यूजन आपकी जो थी वो आपको मिल सकती है। कुछ नई बिगनिंग के लिए अगर आपको क्लियर नहीं था कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो आपको यहाँ पर ये कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जो आपको यू नो वर्ल्ड में कोई किसी तरह की यू नो सक्सेस को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो, 8 नंबर जो है अबंडेंस का नंबर होता है, तो अगर आपको लगता है कन्फ्यूज हो आप किसी चीज़ को लेकर, किसी आइडिया को लेकर, किसी न्यू बिगनिंग को लेकर कन्फ्यूज हो, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ के लिए है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, या फिर आपके यू नो बिजनेस के लिए है, आपकी अपनी प्रोग्रेस के लिए है, तो यहाँ पर आपको वो पता लग जाएगा, वो क्लैरिटी आपको, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर दी जाएगी कि आपको। और अगर आप आइडिया ही ढूंढ रहे हो, तो ये आइडिया भी हो सकता है आपके लिए न्यू बिगनिंग, जो आपको सक्सेस दिला सकता है। तो किसी तरह की अगर आप सक्सेस की, नेम फेम की वेट कर रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पर 8 जनवरी को पॉसिबल है कि वो आपको उसके बारे में किसी तरह का सीक्रेट या किसी तरह की क्लैरिटी और आइडिया और अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। तो कंटिन्यू करते हैं 31 जनवरी को। 31 जनवरी को दिन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? यहाँ पर है 6 of Swords और एम्परर। यहाँ पे दो सिनेरियो यहाँ पे निकल के आए हैं। जो 6 of Swords मुझे ये दिखाता है कि किसी जो सिचुएशन के आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे या आपके कंट्रोल में नहीं थी, मेंटली बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब थे किसी सिचुएशन से, ये आप भी हो सकते हो, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई सिचुएशन को आप संभाल नहीं पा रहे थे, उसको हील नहीं कर पा रहे थे, वो कॉन्टिन्यूसली आपको जो है बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस आपके लिए क्रिएट कर रही थी, उससे आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे एम्परर ये दिखा रहा है कि यू नो खुद की पावर ले आनी वो वापस। तो अगर आपको मेंटली कोई डिस्टर्ब कर रहा था या कोई सिचुएशन डिस्टर्ब कर रही थी, उस वजह से आप जो हेल्पलेस फील कर रहे थे, यहाँ पे वो खत्म हो रही है 31 जनवरी को। क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड बहुत स्ट्रेंथ, आपकी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि ये आप में ये स्ट्रेंथ है, लेकिन आप शायद अपनी पावर को लोगों के हाथों में दे देते हो, उस वजह से आप वीक और हेल्पलेस फील करते हो। तो फाइनली आप क्या करोगे उस सिचुएशन में से, उस पर्सन से खुद को दूर कर रहे हो, मेंटल किसी तरह की मेंटली आप स्ट्रेस को कोर्स को कट कर रहे हो, उस वजह से आप ये एम्परर वाली उसमें आ रहे हो, ये स्ट्रांग पोजीशन में आ रहे हो, ये खुद की पावर वापस लेनी और खुद की यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की जो है, अपने अकॉर्डिंग जो लाइफ को बनाना या अपने हाथ में वो सत्ता लेनी, अपने अपने आप खुद की पावर वापस को लेना। यहां पर है एक बहुत ट्रू रिलेशनशिप नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कोई पर्सन हो सकता है, ये सिर्फ एनर्जी हो सकती है, ये एक आपकी तरफ एक कमिटमेंट आ रही है आपकी, आपके लिए। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी 31 जनवरी को पॉसिबल है कि आपको ये पर्सन या एक किसी तरह की कमिटमेंट प्रपोजल आपकी तरफ आ रही है।
ये जो है ये ट्रू लव, जिसके जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो. नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा हम्बल एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी होती है. सोच समझ के कोई कमिटमेंट में जा रहा है, या आप खुद कमिटमेंट किसी चीज को लेकर, अपनी पावर को लेकर, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर कोई कमिटेड हो रहा है. अपने काम के लिए हो सकता है, अपने रिश्तों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कमिटेड हो रहे हो. अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कमिटेड हो रहे हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है. जिस ट्रांसफॉर्मेशन को आप फोर्स कर रहे थे, राइट नाउ आप कहोगे कि हाँ मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे ये चेंजेस लेके आनी है, मुझे वो पास्ट में से निकलना है, नेगेटिविटी में से निकलना है और एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है. आपके हर दिन के लिए अगर अब देखा जाए पाइल थ्री, यहाँ पर एक यहाँ चार मेजर अरकाना है, तो एक एवरी उसके लिए है, और लास्ट 31 जनवरी के लिए आप लोगों के लिए दो मेजर अरकाना है. यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आप लोगों के लिए, जो आप जो भी चाहें. यहाँ पर हीलिंग भी अवेलेबल है, बैलेंस भी अवेलेबल है, इमोशनल बैलेंसेस, बहुत सारे आइडियाज और क्लैरिटी अवेलेबल है. अगर मैं देखूँ जो आपको किसी तरह की नेम फेम सक्सेस दिला सकते हैं, और यहाँ पे मूवमेंट भी है कि खुद को आप इतना ज्यादा स्ट्रांग भी बना सकते हो, एम्परर की पोजीशन में जा सकते हो, जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, वो स्ट्रेंथ आप अपनी पावर को वापस ले रहे हो लोगों से. जो आपकी स्कैटर्ड जो एनर्जी है उसको आप इकट्ठा समेट के अपने हाथों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक कमिटेड उसमें जा रहे हो, कमिटेड सिचुएशन में जा रहे हो, या एक कमिटमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहे आपको एम्परर बनाती है, बॉस वाली फीलिंग देगा, या फिर आप अपना कोई काम, कोई स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो अपने काम के थ्रू, एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो वहां पे भी आपको ये कमिटमेंट खुद कर रहे हो, या कोई पर्सन आपकी हेल्प करने आ रहा है जो काफी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगा, आपको आगे मूव करने में हेल्प करेगा. जहां पर भी आपको ये हेल्प चाहिए तो वहां आपको ये हेल्प अवेलेबल होगी. तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहां पर. तो देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है इन जनवरी के महीने में आपको मिल रही हैं. तो फर्स्ट ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए इन द फ्लो. यहां पे मुझे लग रहा है कि आप अकेले ही हो और फ्लो में हो, यानी कि आप सरेंडर करने वाले हो. जो भी ये चेंजेस आएंगे ना, आप करोगे, आप बड़े इजिली से फ्लो में जाते जाओगे, सरेंडर करते जाओगे अपनी इस चेंजेस में. आप रिजिस्ट नहीं करोगे, या ये नहीं सोचोगे कि हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए. यहां पर है डिवाइन को सरेंडर कर देना कि हाँ जो भी हो रहा है, इवेंट्स जो भी हो रहे हैं आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं. आप ये नहीं सोचोगे कि इस तरह ही होना चाहिए था, मेरी हिसाब से होना चाहिए था. वो ईगो सेल्फ को आप एक तरफ रख कर आप फ्लो में बह रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है. इसलिए बहुत कुछ आपके बिग इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हो, क्योंकि आप लेट कर रहे हो, एनर्जी को लेट इन कर रहे हो कि हाँ क्लैरिटी आ रही है, ये आइडियाज आ रहे हैं, ओके इन आइडियाज के साथ काम करना है, कमिटमेंट आ रही है, या मुझे अपनी पावर अपने हाथों में लेनी है ताकि मैं जो चाहूँ अपनी लाइफ में कर सकूँ, और किसी को भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटली अब्यूज नहीं होने देना यहाँ पर. तो ये सरेंडर है यहाँ पर, जो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे. आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि यूनिवर्स सब कुछ, सब तरह की चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आ रहा है. नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ब्रेकिंग ट्रेल, ये वही है कि आप रास्ता बना रहे हो अपने लिए. ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बोला कि कमिट करना अपने आप को किसी अपने काम के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए कमिटमेंट. तो यहाँ पर वही है कि आप खुद ही रास्ता बना रहे हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो. यहाँ पे एम्परर जो है ना, वो खुद की मेहनत से, हार्ड वर्क से, डिसिप्लिन से, अपने रूल से, अपने बिलीव्स के साथ, स्ट्रांग बिलीव के साथ काम करता है. और यहाँ पर वही आप अपने लिए रास्ते बना रहे हो. डिफिकल्टीज में भी आप अपने लिए रास्ते ढूंढ लोगे, क्योंकि आपको एम्परर जैसी स्ट्रेंथ दी जा रही है. और साथ में मुझे ये लगता है यहाँ पर किसी तरह का ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है आपको, कि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है. जैसे मैंने पहले भी बोला
कि आप कुछ ऐसा शेयर कर सकते हो या कुछ नया यूनिक आइडिया पेश कर सकते हो दुनिया के लिए जो आपको एक ब्रेक थ्रू भी दे सकता है। आप लोगों के फाइनल गणेशा मैसेज देख लेते हैं। यहां पर है प्रायोरिटीज, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना, अपने कामों को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ग्रोथ को। ये एम्परर का कार्ड बिल्कुल मुझे अब खुद के लिए खुद को क्या बनाना है, खुद को कहाँ पहुंचना है, इस वर्ल्ड कार्ड के साथ खुद के साथ क्या करना है, ये डेथ पीछे छोड़ जाना सब कुछ, वो आपकी प्रायोरिटीज में रहेगा। इसी वजह से ये बहुत बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि आप खुद जो रेडी हो रहे हो कि हाँ मुझे अपने आप को कुछ समय के लिए ही सही खुद को प्रायोरिटी देनी है, ताकि ये सब ये चेंजेस, ये एम्परर बन सको आप अपने। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप फोकस कर पाओगे अपनी प्रेजेंट मूवमेंट पर, पास्ट में नहीं फोकस रहेगा आपका, प्रेजेंट मूवमेंट में आप फोकस कर पाओगे, जिससे और भी ज्यादा यहाँ पर गाइडेंस भी है गणेशा की। जितना प्रेजेंट मूवमेंट में रहोगे तो आप इस जर्नी को इंजॉय कर पाओगे, इन इन चेंजेस को इंजॉय कर पाओगे। अगर हम लोग पास्ट या फ्यूचर में फंसे रहते हैं ना, तो हम लोग जो चेंजेस आ रही होती है ना, उनको वेलकम करना, रिसीव करना और इंजॉय करना वो भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो रह जाती हैं। तो यहाँ पर आप वो एक्चुअल में अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, और ये गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है जनवरी के महीने में कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, इतना मत सोचिए पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसको इंजॉय कीजिए, सरेंडर कीजिए, जो भी सरेंडर करने से अपने आप जो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और अपने आप जो चेंजेस आप चाहते हो वो अपने आप होनी हो जा शुरू हो जाएंगे, उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पायल 3। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये डेट्स कैसे रेजोनेट हुई हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो सीखने के लिए आप कभी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ब्लिसफुल मंथ अहेड। बाय फॉर नाउ।